त्वरण का क्या होता है, वेग, वेग बटे समय, वेग बटे समय, गुणे क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन। अब वेग भी क्या है, अभी मूल राशि नहीं है, तोड़िए इसको भी, द्रव्यमान, द्रव्यमान वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन, विस्थापन बटे समय, और नीचे समय है तो समय गुणे समय हो जाएगा, समय गुणे समय, और फिर गुणे विस्थापन है ऑलरेडी पहले से, विस्थापन। अब ध्यान दीजिए, तो अब इसका मात्रक क्या निकल गया है, द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान विस्थापन दो बार है, द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा, केजी, 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 और विस्थापन दो बार है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर, केजी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अब पूरे का पान समय दो बार है ना, यानी सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक ही निकल का है। अब भीमी सूत्र इसका लिख लेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, केजी, केजी है ना, केजी मतलब एक बार है, तो यानी यंग पावर कितना हो जाएगा, वन, मीटर कितनी बार है, मीटर स्क्वायर दो बार है, मीटर दो बार है, तो यानी यल पावर कितनी हो जाएगी, टू, नीचे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, यानी समय जो है दो बार है, इसका मतलब टीक पावर कितनी हो जाएगी, टू। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, यंग पावर वन है, इस तरह से लिखेंगे। अब जैसे देखिए, इसी को जो है हम और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, टीक पावर जो है प्लस टू है, और टीक पावर प्लस टू है, टीक पावर प्लस टू हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टीक पावर प्लस टू है, टीक पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यंग पावर वन, यल पावर टू, और टीक पावर जो है माइनस टू। ये जो है कार्य का भीमी सूत्र है, क्या है, कार्य का भीमी सूत्र, यंग पावर वन, यल पावर टू, टीक पावर माइनस टू, ये कार्य का भीमी सूत्र है। ये तो जो है पहला तरीका है, इसको नोट करें, तो फिर आगे हम चलें। अब ये तो पहला तरीका था, लेकिन जब आपको जो है, अगर यहाँ पर कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन, अगर बल भीमी सूत्र पता है तो आप तुरंत जो है निकाल लेंगे, बल का भीमी सूत्र अगर आपको मालूम है, याद है, आप तुरंत निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे उसको भी देख लीजिए, जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर बल पता है, बल पता है तो आप जो है बल, बल बीम से पता, बल का बीमी सूत्र अगर पता रहेगा, विस्थापन साथ में लगा है, तो आप जो है तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, बल का बीमी सूत्र क्या होता है, यम, यल, यम पावर एल, यल पावर वन, और टीक पावर क्या होता है, माइनस टू, इतना होता है, और विस्थापन एक बार है, विस्थापन मतलब मीटर है एक बार, तो मीटर एक बार है, तो नहीं यल पावर वन एक बार और रहेगा, यल पावर एक बार जो है वो और रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो अब जो है, अब इसका यल दो बार हो गया तो क्या हो जाएगा, यंग पावर वन, यल पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और टीक पावर माइनस टू हो जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल देंगे इस तरह से। अगर बल का बीमी सूत्र पता है, आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल देंगे, तो आप जो है बल का बीमी सूत्र एकदम दिमाग फिट कर लीजिए, यानी फोर्स का, बल का जो बीमी सूत्र होता है, एकदम दिमाग को फिट कर लीजिए, हमेशा ज़रूरत इसकी पड़ेगी। अगर बल बीमी सूत्र आपको पता रहेगा, आपको जो है कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप जो है वहाँ डायरेक्ट उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू रख करके आप तुरंत निकाल लेंगे। तो नोट हो गया है, ये जो है कार्य का बीमी सूत्र, नोट करिए, फिर आगे चलें। नोट हो गया, आइए आयतन जैसे निकालिए, कुछ जो है मैं, कुछ जो है मैं भौतिक राशियों को जो है बोल रहा हूँ, उसका बीमी सूत्र आप निकालिए 10 सेकंड सोच करके। जैसे आयतन निकालिए, आयतन का, आयतन क्या होता, निकालिए आयतन का, आयतन निकालिए,
निकले आयतन का, इसे आयतन वर्ग क्या होता है? आयतन, आयतन वर्ग क्या होता है? लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, यानी लंबाई को लेंथ में ही लेंगे, लंबाई चौड़ाई को भी लेंथ में लेंगे, ऊंचाई को भी लेंथ लेंगे, यानी यल कितनी बार है, लंबाई कितनी बार है? तीन बार है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यल पावर थ्री, यानी यही इसका बीम सूत्र हो जाएगा। इस तरह से निकाले थे आपने, सही है गलत है? यल पावर थ्री यानी आयतन का यल पावर थ्री। तो बीम सूत्र आप लोग समझ में आया है ना? तो इस तरह से जो है अभी आप देखे हैं कि बीम सूत्र जो है किसी भौतिक राशि कैसे निकाला जाता है। आप जो है घर पर प्रैक्टिस करिए, और तो हम अगली क्लास में जो है इसके आगे फिर चलेंगे। बीम सूत्र जो है, जो मैं बताया हूँ अभी तरीका, आप घर प्रैक्टिस करिए कैसे कैसे निकाला जाता है, और जो है राशियों को लेकर निकालिए। तो आगे हम जो है अगली क्लास फिर इसके आगे चलेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।